दोस्तों, आज मैं आपको कुछ एक खास बात बताना चाहता हूँ। आदरणीय चाणक्य जी ने एक बार कहा था कि अगर पूरा विपक्ष एक हो जाता है और मिलकर अपने राजा के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है तो समझ लेना कि वो राजा अपना काम बहुत सिंसियरिटी से कर रहा है। कुछ ऐसा ही आजकल हमारे देश में भी है। कोई समझौता नहीं है, कोई नीतियां नहीं है, सिर्फ एक विरोध है। मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूँ, क्या उनके पास उनसे बेहतर कोई समाधान है? नहीं। क्या उनके पास अच्छी प्लानिंग है? नहीं। देश के बारे में वो चिंता करते हैं? कभी नहीं। बस उनका एक ही उद्देश्य है, किसी तरीके से इस सरकार को हटाओ और मनचाही मनमानी तरीके से, जिस तरीके से लूट चल रही थी पहले, फिर दोबारा से वैसे ही चली जाए। ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स है। अब देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट महाभियोग चलाया जा रहा है। किस लिए? सारी दुनिया जानती है कि वो बहुत ही अपना काम सिंसियरिटी से कर रहे हैं, मगर फिर भी ये महाभियोग उनके खिलाफ चलाया जा रहा है। और ये आप देखिए, वो तो खैर किसी तरीके से पास नहीं हो पाएगा, सिर्फ कुछ खास समुदाय को खुश करने के लिए, क्योंकि इसमें अयोध्या का मामला भी बीच में है, राम मंदिर जुड़ा हुआ है। वो नहीं चाहते हैं कि जो यहाँ पर बहुसंख्यक समाज है उसको किसी तरीके का भी एक फ़ायदा मिले। मैं मानता हूँ, ठीक है, एक मस्जिद है, उसका एक रिस्पेक्ट है, सब कुछ है। ऐसे तो कितनी मस्जिदें हैं, क्या वो हर मस्जिद के पीछे ऐसे लड़ते हैं? नहीं, क्योंकि इसमें हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है और हमारे भगवान राम श्री जी का जन्म हुआ है उधर, तो हमसे कुछ बहुत कुछ तो नहीं मांग रहे। सिर्फ यही तो कह रहे हैं कि जहाँ उनका जन्म हुआ है वहाँ एक मंदिर बना दिया जाए। लेकिन नहीं, वो इसी मुद्दे को ज्वल रखना चाहते हैं और चाहते हैं ये सिलसिला जारी रहे, ताकि आने वाले दिनों में, आने वाले वर्ष में समाज में ऐसा ही माहौल बना रहे और शायद उनको इस पॉलिटिक्स से कुछ फ़ायदा मिले। इसीलिए दोस्तों, देखिए हमारा देश कहाँ जा रहा है। दुनिया में आज हमारा रुतबा बढ़ा है, हमारे प्रधानमंत्री की रेटिंग दुनिया में तीसरे नंबर पर है, पहले पे जर्मनी, दूसरे फ्रांस और तीसरे पे इंडिया। ये अमेरिका, रशिया, ये सब बहुत पीछे है। मेरा कहना है कि इसको विचार कीजिए, क्योंकि हमारा देश अगर मिलके सिर्फ 2-3 साल अगर इसी तरीके से चला तो हम शायद दुनिया की सबसे पावरफुल नेशन का दर्जा मिले हमें। हमें एक मौका मोदी जी को ज़रूर देना चाहिए, इस पर ज़रूर विचार कीजिए। धन्यवाद।